जय श्री कृष्णा। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन क्लास 11th में जो अपनी कल कविता चल रही थी वे आते हैं, उसका वाचन आगे से आज अपन प्रारंभ करते हैं। कल तक हमने पढ़ा था कि कवि किसान की आंखों में दारुण अवस्था को देख करके भयभीत है। उसका मानना है कि किसान के उत्थान के लिए प्रगति के इस दौर में कोई कार्य नहीं किया गया। किसान खुद अपनी अवस्था का उसको कविता में उल्लेख करते हुए कहा कि उसके पास बहुत ही अच्छी खेती थी, खेती का वो स्वामित्व था, लेकिन सैने सैने जमींदारों ने उसकी खेती पर अधिकार कर लिया। उसका एक पुत्र युवा अवस्था में ही लगान न देने का विरोध करते समय उनके द्वारा मारा गया, और भी रह रह करके उसे अपने अतीत की स्मृतियां कचोटती रहती है। उसी क्रम में आज भी आगे अपन वाचन करते हैं और क्या क्या बातें उसे स्मृत होती है, किसान को क्या क्या बातें उसे टीस पहुंचाती है, दुख पहुंचाती है, ये सारी बातें आगे अपन आज करते हैं। तो देखिए अगले छंद में कवि क्या लिखते हैं कि उजरी उसके सिवा किसे कब दुहाने आने देती। उजरी उसके गाय का नाम था सफेद गाय, उजरी यानी सफेद। किसान कह रहा है अपनी अतीत की स्मृतियों को याद करते हुए कि उजरी उसके सिवा कब दुहाने आने देती, उजरी उसके सिवा किसे कब कह दुहाने आने देती थी। वो किसान से इतना प्रेम करती थी कि उसके दुग्ध दोहन का कार्य किसान स्वयं करता था, दूसरे को पास में भटकने नहीं देती थी। अह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। आहा बढ़ते हुए आंखों में नाचा करती, उसकी आंखों में बार बार उसके स्मृति पटल पर बार बार वे अतीत के चेहरे, अतीत की यादें, अतीत की उसके सुख की बातें जो है वो नाचा करने रह रह करके आती है। उजड़ गई जो सुख की खेती, जो उसके सुख की खेती थी वो सब क्या हो गई, उजड़ गई थी। फिर पारिवारिक अवस्था को बताते हुए वो बताता है, किसान के बिना दवा दर्पण के घर ने स्वर्ग चली आंखें आती, बिना दवा के अभाव में घरनी यानी घरवाली अथवा पत्नी, घरनी का होता है घरवाली, दवा के अभाव में आर्थिक स्थिति इतनी विकट थी कि पत्नी की बीमारी के समय दवाया भी नहीं खरीद पाया और दवाया के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई। बिना दवा दर्पण के गर्मी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया दो दिन बाद ही गई मां। और माता के निधन के पश्चात दूध मुही यानी बाल्य अवस्था, छोटी अवस्था, दूध पीने वाली बच्ची भी मां के अभाव में दो दिन पश्चात उसकी भी मृत्यु हो गई। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया दो दिन बाद गई मां। छोटी सी बच्ची दूध के अभाव में पालिका माँ का दूध पर निर्भर थी और माँ का निधन हो जाने के पश्चात उसके दूध की आपूर्ति बंद हो गई थी, अर्थात उसकी भी मृत्यु हो गई थी। अब घर में कौन बचा था, घर में विधवा रही पतो, पतो के थे पुत्र बुद्ध थे, पूर्व में बताया कि कारकुनों की लाठी से युवा अवस्था में उसका पुत्र मर गया, दवाई के अभाव में उसकी पत्नी चल बसी और दूध के अभाव में छोटी सी नन्ही सी उसकी पोती थी वो भी बालिका थी वो भी चल बसी। अब घर में बचा कौन, किसान और उसकी पुत्र वधु पतोह। घर में विधवा रही पतोह लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, हालांकि वो लक्ष्मी थी लेकिन लोग उसे पति घातिन पति की हत्यारण कहा जाता, क्यों, कि उसके विवाह के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई और पति की मृत्यु का कारण उन कानपुरों को, उन जमींदारों को, कारिंदों को नहीं माना गया, किसको माना गया, उसके दोस्त पत्नी को दिया गया। हालांकि वो मेरे घर की लक्ष्मी थी लेकिन पर पति घातिन, पति को मारने वाली, पति को खाने वाली। घर में विधवा रही पतोह लक्ष्मी थी यदि भी पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। कोतवाल थानेदार तो जब इस बात की जानकारी हुई कि इसके आगे पीछे कोई हिसाब संभाल करने वाला नहीं है तो एक दिन उसको अपने थाने में बुला करके उसके साथ दंड कम किया, तो परिणाम स्वरूप
अपने लज्जा को बचाने के लिए, अपने कलंक को बचाने के लिए उसने आत्महत्या कर ली। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी इगली। उस दिन वो कुएं में डूब करके मर गई, पुनः घर लौट करके नहीं आई। खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आपी। ये बड़ी गलत सोच उस समय के लोगों में थी, क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था, इसलिए स्त्री को और जूती को, पैर में पहने जाने वाली जूती को, दोनों को समान दर्जा दिया गया था, दोनों को एक समान ही मानते थे। उसी मानसिकता से प्रेरित होकर किसान कहता है कि खैर पैर की जूती जोरू, जोरू कहते हैं स्त्री को अथवा पत्नी को। खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती। कोई बात नहीं, पत्नी मर गई, उसकी पुत्रवधू मर गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसा कह रहा है कि जिस प्रकार से जूती फट जाने पर दूसरी जूतियां ले आई जाती है, उसी प्रकार यदि पुत्रवधू मर जाती तो दूसरी पुत्रवधू ले आता। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पर पुत्रवधू लाई किसके, पुत्र हो तो, पर जवान लड़के की सुध कर याद कर सांप लौटते, सांप हो जाना, सांप लौटना मौन हो जाना। जैसे ही युवा पुत्र का स्मरण होता है, याद आती है, वैसे ही मन शांत हो जाता है। सांप लौटते फटती छाती, छाती फटना दुख होना। तो क्या लिखते हैं कि खैर पैर की जूती जोरू एक जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप दौड़ते पड़ती छाती। जैसे अतीत के दिनों को याद करता हूं तो मन में आता है कि अगर पुत्र वधु मर भी जाती, यदि पुत्र जीवित होता तो मैं उसके दूसरी ले आता, लेकिन पुत्र भी नहीं है। और उसकी जब याद आती है तो मन शांत हो जाता है, मन में पीड़ा होती है, दुख होता है। और अंतिम छंद में कवि लिखते हैं कि पिछले सुख की स्मृति आंखों में, स्मृति कहते हैं यादों को। पिछले सुख की, जो अतीत का सुख था, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। जब भी पुरानी बातें याद करता हूँ, किसान कह रहा है कि जब भी अतीत की बातों को याद करता हूँ तो क्षणिक देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए मन में एक चमक उठती है, एक आनंद होता है। लेकिन हाथों हाथ वर्तमान परिवेश को देख करके, वर्तमान स्थिति को देख के तुरंत शून्य में गढ़ को चितवन तीखी नोक सदस्य मिल जाती है। जैसे ही वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है, वो सब बातें बीत चुकी है, वर्तमान में क्या है, इस बात का जैसे स्मरण होता है, तीखी नोक, तीखी सूर के समान चुभने वाली नोक, सदृश, सदृश के समान, तीखी नोक के समान वे बातें चुभने लगती है, पीड़ा देने लगती है। तो ये कविता आपके यहाँ पर समाप्त होती है, जिसमें कवि ने बताया कि किसान की स्थिति पूर्व में भी ऐसी थी और वर्तमान में भी उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। एक जमाना था जब वह स्वतंत्र रूप से अपने खेतों का मालिक था, अपने आप को अन्नदाता मानता था और वह अपने कार्यों में, अपनी मेहनत में प्रसन्न था। लेकिन कालांतर में ज्यों ज्यों सरकारें परिवर्तित होती गई, ज्यों ज्यों राज्य और सत्ताएं परिवर्तित होती गई, क्यों क्यों उसे समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिया गया। और परिणाम यह हुआ कि आज किसान की अवस्था दारुण रूप से बद से बदतर होती चली गई। उसकी इस अवस्था को उसकी आंखों में देखा जा सकता, इसी कारण उसकी आंखें हमें भयग्रस्त लगती हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।